चंदा कैसेट्स। ए किसान, अरे लगा तो खेल शुरू हो गई। आओ चला जा देखे, बड़ा मजा आई। अरे जा भाई जा, तू लोग जा, हमनी के तो सूते दा। जा। जाए चच्चा, कुछ और घी मठा खा तब भैया। यह गांव में और क्यों बा जोन हमार पंजा गिरा सकेला। बा क्यों माई के लाल। अरे बाप रे बाप, लोहा बा लोहा। तोके हरावे में कितना शर्त लागल बा हो? बस 2000। लड़ाईबा का लड़ावे एक बात जमा करा। अरे ना बाबा ना, हम ना लड़ाई। अरे मर्दे आवा ना। अरे ना बाबा ना, हम ना लड़ाई। तू देखत का बारे, निकल मऊगा कहीं के। जवान सम्हारा भीमा, हमारा शेर के जगावे की कोशिश मत करा। और ये जो कुछ भी इनाम मिल गेल बना, ओके लेके जा। कौन से? अरे ये तो सब सियार बा। हाँ बारे तोड़ सही। बिलार बनल घूमल बा, लगातार वो अपने माई के दूध नहीं पिए रहे। अपन जवान सम्हारा धीमा, तो के अपनी ताकत तो ज्यादा घमंड हो गई बा। का कर बे रे, ए मत नघार, दम हो तो पंजा लड़ाओ। हाँ, दाबा दाबा गिरावा भैया, गिरावा दाबा दाबा भैया, भैया गिरावा लगावा जो दा भैया, गिरा दा भैया, गिरा दा भैया, जोर लगावा, गिरा दा, गिरा दा दाबा भैया, घबराता दाबा दाबा भैया, दाबा दाबा। ई तो रहल हिसाब कि कौन बा शेर और कौन बा बिलार। और जौन तो गोपी से बदतमीजी कर ले बाड़ा ना, ओ करे सब। अरे चल चल निकल, तोरा नियर छप्पन अले, हमार किशन भैया 36 बना के भेज दे ले। मन्नू लाल के पकौड़ी खाए बड़ा समय हो गई, चला तू के मन्नू लाल के पकौड़ी खवाए दही। तोहरा के शायद भीमा के अंदाजा नहीं थे, देख ले। का हाल बा मुनीलाल चचा? जय राम जी के। जय राम जय राम। लेकिन थोड़ा दूर से बेटा, दूर से। कहे से ना कि अगर दुकानी में घुसला तब मार के चेहरा बिगाड़ दे। गुस्सा में तो एकदम अमृतपुरी लगता चाचा। अरे अमृतपुरी हो चाहे जवान, लेकिन बेटा पिछला बकाया ना देले बाड़ा। एक मिनट चाचा, मुस्कुराइबा। मुस्कुराए से काबा? ये गोपी एकदम राजेश खन्ना लगता ना हो। अरे बेटा ये बतिया तोर मौसी कहत रहे हमके। लेकिन लेकिन चला चला निकला। अरे? पैसा देले बगैर है पकौड़ा तो का पकौड़ियों न पैबा, समझला। दूर दूर थोड़ा 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 दूर हैं, दूर हैं। ए चाचा बहुत ज्यादा भाव बढ़ गेल बा, 875 नु बा। हाँ तो के याद बा? अरे याद बा एकरा के। ए गोपी, अरे किसान निकाली लो, निकाल पैसा, मार एकरा मुंह पे। ई ला 2000 के नोट। लॉटरी लगल बा का बेटा? ऐसे ही समझा, लॉटरी है। हाँ
अरे बैठा। अरे तोहरे लोगन के दुकान बा, बैठा ना, बैठा ना। मस्त। देखो देखो भाई। हाँ हाय दे। अरे सुन ना, आपन पवन एसडीएम हो गए बे। एसडीएम? हाँ। अच्छा तू लोग यहीं खा, हम जाते हैं भैया का बतावे। हाँ हाँ जा। ए भैया, ए भौजी। का हो? निकाला 500 रुपया। का बात बा? अरे आपके पता बा, पवन भैया एसडीएम बन गए बाड़े। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी के बात बा। पर मैं खबर देख क्या बतानी। सच कहत बानी? और का? अच्छा हाँ। हमरा तो पता नहीं थे। हाँ अब तो आपन लोगन के आहा कितना मौज जाने भैया। बिल्कुल। अरे ये तो बड़ा खुशी के बात बा है ना। और का? तो बहुते बहुते खुशी के बात बा। फोन लगा बा। जल्दी से बतियावा। सबर करा बतिया थी। हेलो। अरे किशन, हमार भाई। काहे के भाई? इतना बड़ खबर छपल बा अखबार में, एक बार भी बताए जरूरी ना समझ लाना। अरे यार, हमरा की आज खुदे पता चलल है, माफ कर दा भाई। चला ठीक बा, माफ कर ली तोहरा के। अभी बतावा कब आईबा घरे? अरे बहुत जल्दी, इंटरव्यू होने से पहले मैं आऊंगा। चला ठीक है, रखा ताड़ी, प्रणाम। तू हंस के बोललू ए जान, दिलवा के दर्द बढ़ गइल, तोहरा खातिर ई दीवाना हो गइल। तू हंस के बोललू ए जान। किशन भैया, तोरा के राधा भाभी बुलावती है। बकबुर बक, अबे तोरा के बहुत मारब। ई बकलोल बा, तू तो जनते आड़ा, ऊ तो हमार सिर्फ दोस्त बा। का हम तहार दोस्त नहीं का? अरे यार, तू तो हमार दोस्त, हमार जाने जिगर, हमार सब कुछ हवा तू। अरे जा जा जा, ज्यादा मस्का मत मारा, जहाँ जाता हो तहाँ जा। अब देखा, जब तू कहा तो हम जाते हैं। अरे जा 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 जा, तू कहला है ना तो हम जाते। जा जा जा। लागता आज भैया के हुई। अरे का बतावल जा, जई है आज काम से। राधा, ए राधा, 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 अरे कहाँ छुपल बाड़ू हो? ना बोलबू? ठीक बा, ना बोला। जा तानी हमू तोहरा से दूर, छिपल रहा जहाँ छिपल बाड़ू, जा। राधा कब्बू किशन से दूर ना हो सकेली, तू दूर जाए के कैसे बोलला? तोरा दूर होए से पहले ना राधा अपन जान दे दी। हे राधा, मजाक में भी मरे के बात मत बोलिया। अरे राधा, मैं तो किशन के जान बसेला, तोरे बिना किशन जी के का करी राधा, का करी तोरे बिना जी के किशन। मर जाई राधा, मर जाई। लागेलू गजब लाल साड़ी में हो, अब
हट जानी आजा कबारी में हो जरता जवानी या देखे जरता जवानी या देखे छन छन बजा ताई राजा पायल यहाँ पर मिसन नहीं दे छन छन बजा ताई राजा पायल यहाँ पर मिसन नहीं दे केटार देलु बतिया रोज हहरत बीते हमारतिया देहिया जरला जैसे रेत देहिया जरला जैसे रेत छन छन बाजा ताई राजा पायलिया पर मिसन नहीं दे छन बाजा ताई राजा पायल यहाँ पर मिसन नहीं दे शादी हो गई बा कौन चंदा अरे वो है जोन तोहरा पे डोरा डालत रहली है हमार सहेली अरे तो एमा हमार कौन गलती बा बोलत ऐसे बाड़ा जैसे जनते नहीं खे बाड़ा चला छोड़ा जानत बाड़ा किसन हमरे सारे सहेलियन का ब्याह हो गई बा तो कब तक हमन के छिप छिप के मिलल जाई अब हम बड़ हो गइल बानी हाँ राधा देख ही समय कैसे पंगला के उड़ गइल ना काश उस समय फिर से लौट आवत और हम लोग वापस अपने बचपन में लौट जाई हाँ अब हम तोरे से ना मिलो वो कहे ई तू इतना घुमा फिरा के कहे बात कर दाड़ू राधा राबा तू बुद्धू के बुद्धू हम जवान हो गइल बानी हमार बिया के उम्र हो गइल बा एक किसन बाबूजी के भेज के हमरा बिया के बात करना नहीं राधा तू बहुत बड़ घर के लड़की हो और हम एक गरीब किसान के लड़का लेकिन एक दिन ना हम बहुत बड़का आदमी बनब हाथी पे अपन बारात लेके आई हाथी पे रहे दा जब हमार शादी हो जाए ना तो देखते रहियो ए राधा
किशन के होत हुए ना तुहार शादी की ओर से ना हो सकेला, तू सिर्फ हमार हो हमार। बस बचपन से सुनत आत बानी। अरे राधा अभी तो हम छोड़ बानी ना, पहले पवन भैया के शादी हुई तब तो हमार हुई। ए किशन जल्दी से कुछ करा वरना हमार बाबूजी कहीं और ब्याह कर दिए। अरे हमार राधा तू चिंता ना कर, हम जल्दी कुछ ना कुछ करब। सच्ची मुच्ची ठीक बा, तब हम जात बानी। जा बाय। का हो चंदर, तुहार हिसाब किताब आजकल कुछ ठीक नहीं चलत बा। वैसे हूँ आजकल कोनो टाइम से पैसा ना दे था, रजवा के का भइल हो, कल पैसा देवे खातिर कहले रहल। अरे मालिक ऐसा कोनो बात नहीं के, रहल बात हिसाब किताब के तो वो तो सब ठीके बा, रहल बात रजुआ के, रजुआ के बुलावे बदे हम आदमी भेजले बन लेके आवते वहीं आकुल देखी। अरे इतना दिन से कहाँ रहले है, ब्याज के पैसवा ना देले, पैसवा के भरी तोर बाप। कारे पैसा लेवे खातिर तो बड़ा बड़ा बोलत रहले, पैसवा का पेड़ पे उगेला का। अरे मालिक ई टीवी खरीद ले बा, टीवी देखे खातिर टीवी का समय हा, पैसा देवे खातिर ना है करे पास। हट भाग यहाँ से, ले जाए करा यहाँ से, सारा फसल और जमीन एकरा के जब्त कर लिया, सारा जानवर बांध लिया। नमस्कार हीरा लाल जी। आवा आवा रामनाथ जी बैठा। अरे ना आवा है जे ठीक बानी। अरे आवा आवा रामनाथ जी आवा बैठा। अरे आवा मर्दवा। अरे ई रजुआ के का भइल सेठ जी। अरे छोड़ा वो सब आवा बैठा आराम से। अरे एक खुशखबरी देवे के रहल और थोड़ा ब्याज के पैसा भी जमा करे के रहल। रामनाथ जी अरे वही ना पौनवा बहुत बड़ा आदमी बन गइल बा। अरे सब आपे के कृपा बा सेठ जी। अरे चंद्र बाबू जरा हिसाब किताब कैला तो हमरा से ब्याज का पैसा लेला। अरे रहे दा पैसा के छोड़ा। देखा रामनाथ तू चाहा तो तुहार कर्जो माफ हो जाई और जमीन भी वापस हो जाई। क्या करते नहीं सेठ जी, इनकरी पर तो बहुत ज्यादा ब्याज हो गई बा। अरे चुप रहा, दो आदमी के बीच में बिना मतलब के बोलल ना जाला। रामनाथ हम ही कह रहल बानी ले दे के हमारे के बिटिया राधा बा, ओकर शादी पवन से कर दिहल जाए तो तुहार कर्जा माफ हो जाई और पवन के नाम जमीन भी हो जाई। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात बा सेठ जी। तो रामनाथ जी तब तो ये रिश्ता पक्का समझी ना। का सेठ जी ये तो बहुत सौभाग्य की बात बा। अरे अच्छा प्रणाम चला तनी। अरे दिन भर कामे करते रहबू, तनी हमरो पास बैठा आके घड़ी दो घड़ी। का बात बा रउआ आज बड़ा खुश लगत बानी। आवा बैठा हमरा पास। अच्छा आज तो बड़ा खुश बानी आप। लो हमरा हाथ से मिठाई खा ला। बुढ़ौती में सठिया गेल बाड़ा का। ई का लगावत बानी जी, अबे केहू देखी तो का कही। कही का यही तो कहिए कि हम तोरा से कितना प्यार करेली। नशा करके आयल बाड़ा का। ना हो याद बात तोरा के, किशन और पवन जब छोटा रहल कितना बुरा समय देखले बानी। छोड़ा वो सब पुरानी बात। कैसे छोड़ी पुरानी बात, तू हमरी जिंदगी में ना हो सब बिखर गए होत। का हो किशन पवन के आज आप ही कैसन बाकी बाकी बात करत बानी। का बात बा भैया बड़ा खुश बाड़ा। आवा आवा बैठा, ई मिठाई के मिठाई खा तब जाना। अच्छा मिठाई तो हम खइबे करब। अरे का बात बा बताइबा कुछ। आज हीरालाल सेठ के पास गए रहनी, कहत रहले कि जमीन और कर्जा दोनों माफ कर दे। वो कैसे भैया? राधा के ब्याह पवन से तय कर देनी। राधा के ब्याह पवन के साथ? हाँ हाँ पवन के साथ। ये तो बड़ा खुशी की बात बा। ये तो बहुत ही खुशी की बात बा ना भैया, बहुत कितना नीक जोड़े लगे भैया दोनों के। का बात बा बबुआ, ये आंखन में आस कैसे आ गए, कोनो दिक्कत बा का? ना भौजी ये तो खुशी के आंसू बा ना,
जब आदमी इतना खुश होला तो खुशी के आंसू तो आ जाला ना भैया। अच्छा अच्छा हम अभी आवतानी। कहाँ जात बानी, अभी सुबह से कुछ खैले नहीं की, कम से कम खा के तो जा। आके खा ले भौजी, चिंता ना करा। किशन सम्हारा अपने आप के, हम जानता नहीं तहरा दिल पका बीतता। ये जगह बा जहाँ हम और राधा बचपन से खेलत रहनी है, देखा आज का हो गई। कैसे भूल जाए राधा के हम, कैसे भूल जाए गोपी, कैसे भुला सकेला ओकरा के हम। अपने आप के सम्हार किशन, हम भैया से बात करके राधा के बारे में बात करब। ना गोपी ना, बड़ी मुश्किल से खुशियाँ ही घर में आई बानी, हमों का अपने स्वार्थ के लिए आग ना लगा सकेला गोपी ना। तू भैया से कुछ ना कहबा, कुछ ना कहबा। किशन वो देखा राधा आवत बाड़ी। अरे किशन तू मैं फोन काहे नहीं उठा बड़ा। ओ रामनाथ भैया घरे आए लल है, बाबू जिससे कुछ शादी वादी के बात करत रहल है। का बात बा किशन, तू काहे रोत बाड़ा? रोवत ना है राधा। का बात बा किशन? रामनाथ भैया रिश्ता के बात करल कर लेना तोरे घरे। का ये तो बहुत खुशी के बात बा। हाँ, अब हम लोग 24 घंटे साथे रहल जाई। सच में किशन? हाँ राधा, अब हम दोनों जने हमेशा साथ में रह जाई। सच में किशन? तोहार शादी पौन भैया से तय हो गई बा। का? हाँ, अब तू हमार भौजी बनबू। किशन ये मजाक ठीक नहीं है। किशन ये मजाक ना सच हो। अरे जोड़ा तो आसमानन से बनेला, शायद विधाता के यही मर्जी बा। तू दोनों जने के जोड़ा ना बन चुकल बारा था। किशन ये मजाक बिल्कुल ठीक नहीं खे। ये सच बारा था। मत रो राधा, शायद भगवान के यही मर्जी बा। हम नहीं के मानी ले भगवान के मर्जी, हमरा के यहाँ से भगा के लेके चला। ना राधा, हमार प्रेम पवित्र बा, ओके कलंकित न होए देव। दू परिवार के जिंदगी खराब हो जाए राधा, हम लोग ऐसा ना कर सकीला। बात समझे के कोशिश करा। ई कलंक के टीका लेके हम लोग कैसे जी सकीला? हम कुछ नहीं के जानत बाटी, न घर न समाज। राधा हम कम पढ़ा लिखा और तू इतने बड़े घर के लड़के, पवन भैया के और त्योहार मिलना अच्छा रहे। जब तू गांव में चलबू ना तो लोग कहें वो देखा SDM साहब के बीवी जा रहल। हम तोरे लायक ना ही राधा, तोरे लायक ना ही। तोहार और पवन भैया की जोड़ी ना सही रही। रहे तो तू उमर मिल बैठा के। समझे के कोशिश करा राधा। का समझी बोला? राधा तू जाना दाड़ू की ना, हम एक अनाथ रह ली और हम ना मंदिर पे भीख मांगत रह ली। कबो माँ बाप के तो ना देखनी, हमरा के मंदिर से उठा के माँ बाप के प्यार दे ले रामनाथ भैया और सुमर भाभी। और पवन ना कबो हमें भाई की कमी ना महसूस होके देलस। हम माई बाप के तो ना देखनी, लेकिन आज हमरे लिए भगवान से बढ़ के बाड़े, कैसे भूल जाए हम उनके एहसान। अपने स्वार्थ में ना भूल सकीला राधा, ना भूल सकीला। और जौन तू सोचत बाड़ू ना उना हो सकेला। बस कर किशन बस, तू तो अपन पढ़ाई छोड़ ला गरीबी के खातिर, और भैया तू दोनों जाना में से एक जाना के चुन ले रहना पढ़े खातिर। पवन से तू तेज रहला लेकिन फिर भी तू अपन पढ़ाई छोड़ देहला। भैया आज भी तोहरा के लेके कबो कबो नाराज हो जाना तोहरा पढ़ला खातिर। हे गोपी, रामनाथ भैया तो भगवान बाड़े, हमरा के मालूम बा वो हमारी के पढ़ोतिन, लेकिन हम उनके एहसान कैसे भूल जाई।
हमरा के माफ करा रहा था। हम एहसान फरामोश ना हई। तू तो अपन एहसान और फर्ज से अपन इच्छा के गला घोटत बड़ा। हम का करी, हम तो तोके मन तन से अपन पति मान चुकल बानी। अगर बिया हमार पवन से भइल ना तो हम जहर खा के मर जाए। राधा, ओ किशन। हे राधा, तू जा, हम मिलब जल्दी तू से, किशन फिर बात किया जाए। ओ किशन, आ गेली भैया। का हो चंदर भैया, एने आवा? ना ना, हमके देर होता, हम दूसरी जगह जाते हैं। अरे काहे को मुंह फुला के जायत बाड़ा, एजे आवा आवा आवा, हेजा बैठा। कहाँ जात रहला? अरे वो जात रनिया, एक आदमी के यहाँ बकाया पैसा रहला, वो असूले जात रनिया। चंदर भैया, तोहर बिटिया भी तो सयान हो गेल भैया। का बताई रामनाथ भैया, समय के चक्र ऐसा है ना कि बिटिया कब से आनी हो जाली, कब कपारे के बोझ हो जाली, कुछ समझ में ना आ। अब तो हमारी समझे में नहीं खे आवत, का करी? एक बात बोली चंद्र भैया। हाँ बोला। अगर तोहरे घर की बिटिया हमार घर की बहू बन जाए तो कैसा रहे? अरे का कह देनी रहुआ, रहुआ तो हमारी दिल के बात छीन लेनी। तो दोनों की शादी पक्का समझी चंदर भैया? हाँ हाँ, बिल्कुल पक्का समझे। अच्छा तो हम चली। अरे कहाँ जात बाड़ा, इतना खुशी के मौका बा, चहवा पी के ता जा। पी आवा, पी यही लेते हैं। तू हंसत बड़ा, छुड़ावा हमरा के। हंसी ही न तो का करी, देखा के आयल बारे। भौजी प्रणाम। खुश रहा, तुहार आदत अभी तक सुधरल ना? अब जेकरी लगे इतनी प्यारी भौजाई रहे तो ओकर देवर मजाक ना करी तो के करी। हे भगवान, हमार तो जान निकल गई रहला। ए किशन के भैया, हमार पवन तो एकदम बड़ा बाबू हो गए बाड़े, बड़का साहब। साहब तो बटले ही हमार भाई, बड़का साहब, एसडीएम साहब। अरे किशन तू? ए पवन, हमार भाई। और कैसन बाड़ा? बस बढ़िया बानी, आपन बताओ। और सब बढ़िया बा। ई हो हमार किशन और पवन। ए भौजी तू आवा ना, तब तो ही हमार परिवार पूरा। सुंदर बयापन परिवार हो, कब हूँ छूटे ना है। हो सुंदर बयापन परिवार हो, कब हूँ छूटे ना। भैया के प्यार हो, भौजी के दुलार नाता, सुंदर बयापन परिवार हो, कबहू छूटे ना है। सुंदर बयापन परिवार हो, कबहू छूटे ना। समान हो, बड़की भौजाई होली, ईश्वर के दान हो। बड़की भौजाई होली, माई
समान हो, बड़का भैया ईश्वर के बाटे वरदान हो, ये नहीं से मिलल संस्कार हो, केहू रूठे ना है सुंदर बयापन परिवार हो, कबहू छूटे ना है सुंदर बयापन परिवार हो, कबहू छूटे ना। जैसन होले छोटका देवर जी, पति हौं राम जैसन ता कहे का डर जी, बबुआ के जैसन होले छोटका देवर जी, पति हौं राम जैसन ता कहे का डर जी, बनल रहे अपन घर बार हो, डोरी टूटे ना है सुंदर बयापन परिवार हो, कबहू छूटे ना है सुंदर बयापन परिवार हो, कबहू छूटे ना। और तू यहाँ बैठल बाड़ा ढूंढ? ऐसा कोनो बात ना, बस ऐसे ही बैठल हैं। अरे तोरा का 2 दिन से देखत हैं, जरूर कोनो बात बा। का बात बा कौन बतावा हमनी के? ना यार ऐसा कोनो बात नहीं थी। अच्छा हमनी के तो लगा था कोनो बात बा, बतावा कोनो बात होके तो। ओ किशन, ओ का कहल जाना ना, बतावा बोला बोला। अरे यार हम राधा से शादी ना कर सकेला। का राधा से शादी ना कर सकेला? काहे? हाँ यार हम राधा से का दुनिया की कोनो लड़की से हम शादी ना कर सकेला। ओ हो 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 हो, अच्छा अच्छा, मतलब तोरे सिस्टम में कोनो गड़बड़ी आ गई का? देखा ये गांव में एक तो वैद्य आइल बाड़े, बहुत अच्छा वैद्य हमें, हम तुझसे उनका दवाई दिला दे फिर तोहार सारा सिस्टम टकाटक। पूरा बात तो सुन भाई। ओ अच्छा अच्छा समझ ली, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। अरे यार तू हर बात के मजाक में ले लेवेला, हम कुछ और कहल चाहता नहीं यार। फिर का राधा के बारे में क्यों तुझसे कुछ कहलस का? ना यार वो का है ना, हम शहर में शादी कर चुकल बानी। का मतलब तू राधा शादी ना कर सकेला? ओहो तू राधा शादी ना कर सकेला? अच्छा भाई अच्छा, हम राधा से शादी ना कर सकत हैं तो तू कहे तो मैं खुश होता रे? अरे हम कहाँ खुश होता नहीं, हम तो सिर्फ ही कहा था नहीं कि जब तू शादी कह चुकला तो राधा शादी कैसे करबा। लेकिन तू बहुत खुश बाड़ा। अरे ना हम खुश ना बानी, हम तो सिर्फ यही कहनी कि तू राधा शादी ना कर सकेला जब तू शादी कह लेला है तो। अब का हुई? अच्छा अच्छा एक बात बतावा भौजी, किस बात? अरे यार तोहर भौजी ना एकदम चांद की टुकड़ा बाणी। वाह तो के हम फोटो दिखावा तानी। फिर तो दिखावा भाई जल्दी से। ई देखा ई है तोहर भौजी। ओ ई तो एकदम गजब बाणी हो, चांद के टुकड़ा तोरे भाई के पसंद है? वाह भाई पौन वाह, मान गई नहीं तोहर पसंद। वाह और एक बात, ऊ सेठ धनराज की एक लौती लड़की है। वाह भाई पवन वाह, ये सेठ धनराज तो बहुत बड़ा आदमी बा शहर के। लेकिन पवन एक बार बतावा, ये बिल्ली के गले में घंटी बांधी की ई का मतलब तोहरी बात के? अरे मतलब ई भैया भाभी से बात करी के। अरे ये हम सोचे वाली क्या बात बा? तू ना ना तू ना पवन, देखा बात तो तू ही करबा भाई।
हमार बात मान, बात तोहरा के करे के बा। देखा पवन, शादी तू कर ले बाड़ा और बात तू ही के करे पड़ी। गुस्सा मत दिलावा, जब तोहार काम पड़ेला तब बात हम करे ली, ए बारी तोहरा की बात करे पड़ी। अच्छा ठीक बा बेटा किशन, तही बात कर ले। देख लू सुमन कौन सा कांड करके आयल बाड़े शहर से। हमरा से काहे पूछत बानी? तो केकरा से पूछी, तोरे लाड पाड बिगाड़ देले बा एकरा के। अगर बेटा ना हमार काम ना भइल तो समझला तोहरो काम ना होई। भैया एकरा के माफ कर देना। चुप रह नालायक, तोरा सब मालूम रहा पहले से ना। नाना भैया तोहार क्रिया कल ही हमहू को मालूम चलन। कि दूदू के दूनों मिलल बाड़े का रे पवनवा, ब्याह करत बेरी हमार याद ना आइल। ऐसा ना बा भैया, हम तो तोके बतावे वाला रहनी। चुप रहा ना तो मार के देहिया लाल कर दे। हमके माफ कर दो भैया, इतना जल्दी जल्दी में सब कुछ हो गई कि हम तोके बता ना पैनी। अरे काका अरमान रहल बड़ा धूमधाम से अपने बबुआ की शादी कर अपना जाना हुई, सब अरमान धरा के धरा रह गई। हम तो हर दिल दुखोने हैं भैया, तुमके ही लागता ना, तो मार ला हमरा के, जितना जी करे उतना मार ला। पर भैया तू हमसे नाराज मत हो भैया। ये सुमन हीरालाल बाबू को तो हम जवान दे देने वाली। तका तोहार जुबान हमरा देवर की जिंदगी से बढ़ के हो गई बा। अरे भैया जेकरा के हमने चंद्रवा के लड़की समझत है जाना, अरे वो तो राधा रहे जेकरा साथ किशन घूमत रहे। अरे वाह ये तो बड़ा छुपा रुस्तम निकलल। छोड़ देते हैं कभी धरते ही नहीं। ओ बातें करते बड़े बड़े कुछ करते ही नहीं, टच करके छोड़ देते हैं कभी धरते ही नहीं। चाबी डालो दे खराब तो हर ताला हो जाई, चाबी डालो दे खराब तो हर ताला हो जाई। जहिया परी भोजपुरिया से पाला गजिला में हाला हो जाई, जहिया परी भोजपुरिया से पाला गजिला में हाला हो जाई। जनिए गोरी पड़ जाई महंगा बड़ी, तोहरा से होई ना कुछ और छेला हई हम फूल झड़ी। कह फरमाइस जवन बात दीदी मोबाइल बड़ी, हो जाई गोरी गिहलर में आई मुहे काला हो जाई। जहिया परी भोजपुरिया से पाला गजिला में हाला हो जाई, जहिया परी भोजपुरिया से पाला गजिला में हाला हो जाई।
के सट हट जानी ए रानी, तू तो कली से हो जाइबू फूल। ऊपर से लगे लंगड़ा भीतर से बड़ा कुल कुल, कतनु अपन जवानी संभरबू बाकी तहरा से हो जाई भूल। बतिया में तोहरा नहीं फसाबो हमरो बकू छो असूल, पंगा ले पूता गड़बड़ घोटाला हो जाई, पंगा ले पूता गड़बड़ घोटाला हो जाई। जहिया परी भोजा पुरिया से पाला रजीला में हाला हो जाई, जहिया परी भोजा पुरिया से पाला रजीला में हाला हो जाई। चंदर, पूरे गांव के पता हो गई बा कि पवनवा और राधा के शादी तय हो गई। अब वक्त आ गई बा चंदर रामनाथ से ब्याज के पैसा लेवे के। अरे किसनवा, आ काम चोरी मत कर, काम कर। अरे तो ही काम। अरे ऐसा कोनो काम थोड़ो होला, तू बैठ के अंग्रेजी भूखा बस। अरे भैया तू, अरे हमनी के रहते तोहका खेती करे के का जरूरत बा? अरे ना रे, लोग का सोची हैं, इतना बड़ा साहब होके खेत गोड़त बा? अरे भैया हम बहुत किसानी के लेकर ही ना, और एगो किसान के लेके किसानी करे में शर्म कैसा? अरे नाही हर ब्याह इतना बड़का घर में होइल बा, तू इतना बड़का साहब बाड़ा, तू खेती ना करा, रहे दा। हमके पढ़ा लिखा के इतना काबिल बनेले बानी, आज हम बड़का साहब बनल बानी, तो एहमे हमके कोनो शर्म की बात ना है, एहमे तो हमके गर्व की बात के हम एगो किसान की लड़का ही। तो ठीक बा, लो तू हो खेती कर लो। जी भैया। आवा ए पवन भाई, यही के बोलल जाला, जय जवान जय किसान। ए किसान, अरे पवन भैया तो अपन शहर में सेटिंग कर लेना, अरे हमरो बारे में कुछ सोचे बा? ये काहे नहीं कहता कि गांव कोनल के तोरा के घाट नहीं खड़ा रहता। कबो आईना में ते अपन सकल देख ले बाड़े का? आई शीशा में तो रोज अपन मुंह देख ले, लेकिन कोनो गांव में सुंदर लड़की नहीं मिले तो हम ना। ए किसान, एकरा के कह देना कि पहले फेरन लबड़ी लगा के थोड़ा गोर हो जाता, तब तो बात बनी। का हो, काहे तू लोग हमार गोपी के मजाक उड़ा रहल बाड़ा? हमार गोपी तो एकदम हीरो बा। अरे तो हम कहाँ कहने की हीरो बा? हमार फोन आवता हो। हेलो का? अच्छा प्रिया की तबीयत खराब है? कहाँ है प्रिया, आप बात कराइए। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से तुरंत निकलता हूँ। ठीक है, प्रिया की तबीयत बहुत खराब है, हमने के यहाँ से तुरंत निकले के पड़ी, हम जाता नहीं। जल्दी आई है बाबू, तुहार बहुत याद आई। जी भौजी, हम जल्दी है आई, ऐसे भी तोहन लोग के बिना हमार मन कहाँ लगेला। खुश रहा बबुआ, खुश रहा। कबो कबो ये बड़ा भाई के भी याद कर लिया करा। का हो किसान, ऐसा काहे देखता है रे? आ
प्रिया प्रिया ये कैसन मजाक बा प्रिया, ऐसन मजाक क्यों करे लगा? मालूम बा तोहके, जब से हरिया काका के फोन आयल रहल हम कितना परेशान रहनी। रास्ता भर सिर्फ तोहार चेहरा हमारे आँखी के सामने आवत रहल। हम हमेशा सोचत रहनी कि कितना जल्दी हम तोरे पास पहुँच जाएं। कैसे कैसे रास्ता कटल है वो हम ही जानत आनी। कितना फिक्र होत रहल तोहार, कुछ मालूम भी बा? बस कीजिए, बढ़िया है। फिक्र होती तो फोन ना करते। एक बार भी फोन किया तुमने? अब तोहके मालूम बा कि गांव में बिजली के कितना प्रॉब्लम रहेला। अब मोबाइल स्विच ऑफ हो गेल रहल तो फोन कैसे करित? ओ झूठे, भैया भाभी से मिलते ही भूल गए हो मुझे। समझ गई कितना प्यार करते हो मुझे। ऐसा ना कह प्रिया, देखा मार बात तो सुना। अब सुनने को रही क्या गया है? ओहे जमन तोहसे हमेशा बोलत रहनी। झूठ झूठ ना, सच में आई लव यू। रामनाथ चाचा, रामनाथ चाचा, तो के सेठ हीरालाल जी बुलौले बाड़े, शाम के जाके मिल लिया। ठीक बा, तू जा, हम मिल ले। नमस्कार हीरालाल जी। तो अपन औकात भूल गेला रामनाथ। भल सेठ जी, तोहार संदेशा मिलल हम भाग के चल आइली। वैसे भी हम तोहरे से मिले आवत रहनी। सेठ जी वो का है? एक जरूरी बात बतावे को रहे। यही ना कि पवनवा शादी शुदा बा, अभी शादी ना होई। हीरा बाबू बुरा ना माने तो एक बात बोली। अब बचल का बा बोले के? राधा के ब्याह किशन संगे हो जाए तो बहुत अच्छा, दोनों की जोड़ी ठीक लगे। तू ऊ अवारा जाहिल से हमरे बिटिया राधा के शादी के बात करत बाड़ा, आपन औकात भुला गेला। सेठ जी, अरे पवनवा के अगर पोल ना खुलत ना तो तू हमार बिटिया के जिंदगी बर्बाद कर देता। आपन औकात बिल्कुल भुला गेला तू, मक्का कहीगा। सेठ जी हम लोग के इज्जत बा, पलट के जवाब हमो दे सकेले। सुनला चंदर, जेकर बाप दादा के हमरा सामने बैठे के औकात ना रहे ऊ आज हमरा से इज्जत के बारे में बात करेला। अरे तनी सुना हो रामनाथ, जौना खातिर मालिक बुलौले उ बतिया त सुनला। कितना हिसाब किताब हो गइल बा इनके बता दा। मालिक 15 लाख कर्जा लेले रहना, जमीन गिरवी रखले रहना, ओकरा हिसाब से कुल सूद ब्याज जोड़ के 17.5 लाख हो गइल बा। 17.5 लाख इनका देवे के है। सुन लेला ना, 1 से 3 महीना के अंदर सारा हिसाब किताब दे दिया, नहीं तो सारा फसल और घर जब्त कर लेवल जाई। तू रोड पर आ जाबा भीख मंगबा। अरे का देखत बड़ा, जा निकला यहाँ से, रास्ता उधर बा। भाई जी बहुत परेशान लगत बानी। सेठ कुछ कहले का? बताई ना। का कहीं? का सुनने चाहत बाड़ू? सेठ हीरालाल हमरा के बहुत बेइज्जत करलस, उ हम सब का चोर और बेईमान करलस। उ अब हमरा के 3 माह के टांग देल गए, ना तो उस जमीन जायदाद सब जब्त कर ली। यही बात लेके सेठ हमरा के मकार, धोखेबाज और जासाज कहलस। वो तो बहुत गलत कहलस। आज एकरा का चांस है बाढ़ दे। किशन ना, रुक जा किशन, हमरा ना रुका किशन, झूठे विधाता भी ना बचा सकेला। रुक जा किशन, तोरा के हवार क्रिया रुका।
हमने सब गरीब जरूर बने लेकिन मेहनत की रोटी खाई ला। कोनो रास्ता निकालल जाए किशन, चिंता ना कर। ए जी, पवन से एक बार बात करी ना, हो सके कुछ मदद कर दे। लेकिन ओकर नौकरी? जानत आनी अभी ओकर नौकरी नहीं मिलल, लेकिन अगर वो अपने ससुर से बात करी तो कुछ मदद करी है ना। हाँ भैया, भौजी सही कह पड़ी, तू लोग ठीक समझाता रहा तो करला फोन ओकरा के। ना, फोन ना करो, फोन करला से का है ना कि सरप्राइज खराब हो जाए, हम डायरेक्ट ढोकरा पास जाओ। ससुरा नकली फूल बा, हम समझने असली है। अच्छा यो नकली है, लागत तो शर्म सब नकली होला। वाह रे भगवान, घर तो निक बा। अरे बाप रे बाप, भौजी तू तो बड़ी सुंदर बाड़ू हो, कौन बताइले है तुसे ना? हाँ, एक बार बताया था और फोटो भी दिखाया था। बस एक मेरी झूठ काहे बोले ताड़ू भौजी? मैं झूठ क्यों बोलूंगी, और ये तुम कैसी भाषा बोल रहे हो, बाड़ू आड़ू ऐलू गैलू, ठीक से बोलो ना। हमार प्यारी भौजी, ये तो भोजपुरिया भाषा है, हमने सब भोजपुरिया भाषा के पैदाइश है। वो का है ना भौजी, हम लोग अपने भोजपुरिया भाषा के मिठास कबो छोड़ के ना रह सकीला। भोजपुरिया भाषा जिंदाबाद, एकदम जाहिलो वाली भाषा। अरे अरे ना भौजी, ई जाहिल वाली ना हो, ई भोजपुरिया भाषा में प्यार सम्मान दुलार सब कुछ हो खेला, और मिठास तो हमें कूट कूट के भरल बा भौजी। ओके ओके, ये बताओ हरिया को कुछ बताया तो नहीं तुमने अपने बारे में? हरिया के? वही नौकर जिसने तुम्हें गेस्ट रूम में बिठाया था। ओ, हम समझने की ये तो कोनो साहब हमें, हमके डाउट होत रहल कौन ससुर जी तो ना हमें। जानते हो किशन, हमारे यहाँ के नौकर अरे, भी तो... अरे किशन तू, व्हाट ए सरप्राइज यार। और तुम्हें आना ही था, कॉल कर लिया होता, मैं रिसीव कर लेता तेरे को। अरे अगर बता के आई थी तुम्हारी खुशी कैसे देख पाई थी, और हो जात हमारे सरप्राइज का सत्यानाश, और तू तो घरे बिना बताए आयल रहला। अच्छा, हाँ? चल बैठ और बता। और सब बढ़िया बात। अच्छा एक बात बतावा, यहाँ भोजपुरी ना बोले जाला का? ना यार, जनता बाड़ी शहर में सब ऐसे ना बोले ला। अच्छा भौजी ना बोले ली, तू ना बोले ला। अच्छा छोड़ा ना भाई, कम से कम आपस में तो बोले के चाहिए, वैसे भी भोजपुरी भाषा कोनो तोड़ नहीं खे, चाहे देश हो चाहे विदेश, समझला पवन? अच्छा, अरे प्रिया किशन का कुछ नाश्ता पानी करावा। बातों बातों में तो मैं भूल ही गई, तुम लोग बैठो मैं पानी लेके आती हूँ। अच्छा किशन, अचानक का बात बा, सब कुछ ठीक ठाक तो बा ना? का बताई भाई, दो महीने के टाइम मिलल बा, अगर टाइम पे पैसा ना चुकाइल गा ना तो सब कुछ नीलाम हो जाएगी। अरे यार ये तो बहुत बुरी खबर बा। अच्छा लेकिन ये बतावा, तोहार और राधा के शादी की का भेल? राधा वो हीरालाल विलन बन गई बा, भैया उसे राधा के हाथ मांगे के लिए गेल रहले, बहुत बेइज्जती कैली भैया के, अगर राधा के बाप ना होत ना तो ओकर। अच्छा तू चिंता मत कर यार, ससुर जी फैक्ट्री गेल बाड़े, आवे दे
हम पैसा के इंतजाम करत आनी। ये लो मोती चूर के लड्डू खाओ, बहुत फेमस है यहाँ के। लड्डू तो हम खावे गरब। कुला बक्सा बांधो। बक्सा? इनका तो हम लेके चलो ससुरारी, इनके राह देखत बाड़े सब। चला। नहीं नहीं मैं बाद में आऊंगी। ना भौजी ना, सूखा तो हम लेके ही चलब। चला बक्सा बांधा। कैसे लेके जाइबा? बड़ घर के हैं और एकरा के चले खातिर बड़की गाड़ी चाहिए। अरे भौजी जितनी हल्की आई, इनका तो हम ऐसे उठा के ऐसे 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 लेके भाग जा। मुझे जंगली गवार कहीं का, बदतमीज जाहिल गवार कहीं का। तू रुक, हम देखा था नहीं। अरे प्रिया तुम भी हद करती हो, ऐसे कोई गुस्सा होता क्या? है क्या? तो कैसे गुस्सा हुआ जाता है? उस गंवार को थोड़ी भी तमीज नहीं है क्या? अरे यार तुम्हें मालूम होना चाहिए, वो गांव से आया है, उसे भी शहर का रहन सहन नहीं मालूम है, और वो दिल का बहुत ही अच्छा इंसान है। हरिया और उसमें क्या अंतर है, दोनों नौकर ही तो है। तुम्हारे घर के टुकड़ों पे ही तो पला है वो, सिर पे चढ़ा के रखा है तुमने। चला किसन यहाँ से, बहुत बेइज्जती भाई भाई, बहुत जाते पवन जाते। हद करती हो, तुम्हें इतना मालूम होना चाहिए कि जिसे तुम नौकर कह रही हो वह मेरा भाई है, और एक दिन मैं भी उसी की तरह इस शहर में आया था, और आज उसे नौकर नहीं बल्कि तुम मुझे नौकर कह रही हो। आई एम सॉरी पवन, मुझे माफ कर दो ना। इट्स ओके, चलो चलकर किशन को देखते हैं। अरे किशन तो यहीं था, अचानक कहां चला गया? रुको मैं फोन लगाता हूं किशन को। अरे यार ये फोन नहीं उठा रहा है। नहीं उठा, फोन रिसीव नहीं कर रहा है ये। कहां गया होगा किशन? अरे किशन बड़ा जल्दी आ गई ले शहर से। हाँ भौजी तुहार याद आवत रही ना। चल झूठा कहीं के, झूठ बोलत बाड़ा। अच्छा ये बतावा तुहार भौजी कैसन बाड़ी? बहुत सुंदर बाड़ी। हमरा से नीक बाड़ी का हो? बहुत सुंदर बाड़ी, एकदम परी के जैसे, और हमरा के बहुत मान लेनी तुहू से ज्यादा, पूछ लू। अच्छा ये बतावा उनकरा के एजा काहे नहीं लेके आई ला? वो का है ना पवन भैया के इंटरव्यू रहल, तो ऐजा भी केहू के रह पड़त, न तो उनके देखभाल के करत। हाँ वो जरूरी बा ना। अच्छा मैं बहुत जोर के भूख लगल बा, कुछ खाए के लिए लेके आवा। अच्छा चला तू ऐजा बैठा, हम चलत बानी जल्दी लेके आई। किसान एने आवा। आ गए नी भैया। सच सच बतावा हम तेरा बड़ा भाई हैं। भैया हम पवन भाई के और नईकी बहुची के घरे कबो न जाए भैया, कबो न जाए। बस करा भाई हम समझ गए नहीं। अच्छा भाई तू न पढ़ ले, न तो हमार जिंदगी किके सहारे कटत। क्या बात है पवन, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? बस ऐसे ही पिताजी। क्या हुआ, नाराज हो क्या प्रिया से?
प्रिया नादान है, बच्ची है, बोल दिया होगा गुस्से में, उसे माफ कर दो। ठीक है पिताजी। वैसे भी किशन हम लोग का रिश्तेदार है, किशन से कोई दिक्कत तो है नहीं। वैसे किशन किसी काम से आया था या घूमने आया था? पिताजी वो कुछ जरूरी काम से आया था, उसी सिलसिले में मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या काम था पिताजी? वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अरे पवन, पूरे पैसे तुम्हारे तो है, मांगने का जरूरत? पिताजी वो 17.5 लाख रुपए की जरूरत है मुझे। इतने पैसे की जरूरत? पिताजी मेरे भैया ने मेरी पढ़ाई के लिए अपना घर जमीन जायदाद सब जिस सेठ के पास सब गिरवी रखा था, उस सेठ ने मेरे भैया को मात्र 3 महीने का समय दिया है। अगर पैसे वापस नहीं हुए तो अब मेरा घर जमीन सब कुछ चला जाएगा। पिताजी जॉब के बाद मैं आपका सारा पैसा वापस कर दूंगा। अरे तुम सेठ धनराज के दामाद हो, छोड़ो उन लोगों के वहाँ पे। हमने सुना भी है कि जो बेघर होते हैं सरकार उन्हें आवास योजना के अंतर्गत मकान दिलवा रही है, और रही बात खर्चे की तो 30-40 हज़ार रुपये भिजवा देना महीने में। जिस इंसान के बारे में आप बोल रहे हैं ना, वो मेरे भैया हैं, जिसने मेरी पढ़ाई के लिए सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया है। वो खुददार है, ना कि भिखारी। पवन जो तुम भी मांग रहे हो ना मेरे से, वो भी एक फीकी है। माफ करना पिताजी, मुझसे गलती हो गई, मैं ही गलत जगह पे आ गया। अरे बिंदिया आवा बैठा। और बतावा? ठीक बा। बतावा का भय, काहे इतना परेशान बाड़ो? कुछ हूँ ना, किसन बिना बताए शहर चल गई बा। शहर चली गई? हम तो बहिन दिखली है का। हाँ बगीचा में घूमत बाड़े। अच्छा हाँ जेबू। ठीक बा। अरे रुका तनी, तनी तैयार हो जा, कपड़ा पहन ला, फिर मिले जा। ठीक बा। के? राधा। हाँ राधा। हम के जाए था राधा। ओहो हटो। ए किशन, शहर में कोनो मैडम मिल गेल बाटिन का? दिमाग खराब बा का तोर? जाए थे हम के? एक दिन शहर का गईला, इतना बदल गईला, कोनो तोपे जादू नाना गले बिया। ए किशन, बिन बात के काहे सजा देत बड़ा किशन? जौन दिन राधा रोड जाई ना, फिर कबू लौट के ना आई, खोजत रह जाइबा, कबू ना मिली राधा तोरे की, कबू ना मिली। हमके माफ कर दे राधा, हम बहुत परेशान बानी। का बात बा किशन, हमके बतावा? तोरा बाबूजी के पास हमार घर और खेत गिरवी बा, और वो 3 माह के टाइम देले हैं, ना तो जब्त केले हैं। हमार भैया गए रहने तोरे घरे, लेकिन तोहर बाबूजी ना उनका बेच करके भगा देले। हाँ राधा हाँ, हम सच कहत बानी, हमार भैया हमारे तोहार शादी के बाद भी कले तोरे बाबूजी से, लेकिन तोहार बाबूजी ना ना सुन ले, और इतना बेइज्जत करे हमरे भैया का ना, तोहार बाबूजी ना होती ना तो का बताई। आप समझ में आ गए, तू काकरे शहर गए लाला? सुन ले बाड़ी, पवन भैया की शादी बहुत बड़ घर में भइल बा। हाँ राधा, पर पवन भैया से कोनो उम्मीद नहीं है, सोचत आनी कि शहर चल जाए कमाए, पर का करी, ई 3 माह मा ई ना बड़ा रकम कमाई बड़ा मुश्किल बात बा। किंदा देख बा बाबूजी के? 17.5 लाख का? हाँ 17.5 लाख रुपया देवे के बा। तू चिंता मत कर, कौनो ना कौनो उपाय तो निकल ही जाए, पर तोहका सहार नहीं खे जाए बा। अच्छा हम घरे जात बाटी और तोहके फोन करब, उठा लिया। ठीक बा उठा ले, हम जात बानी। जा राधा इला तिजोरी का भी, और तिजोरी से 10,000 रुपया निकाल के चंदर के दे दिया। ठीक बा। और सुना,
नीचे के दराज से पैसा ना निकालिया। उ दादी के दिहल पैसा है तुम्हारे ब्याह खातिर रखे। अच्छा ठीक बा, ध्यान रखिए। ठीक बा। वाह भगवान, पैसा का इंतजाम हो गई। अभी पैसा हम किशन के दे दे, ये ठीक रही। का बात पर आधा इतनी रातें बुलौलू? पहले ही पकड़ा। ई का? खोल के देखा था। अरे बाप रे, ई का राधा चोरी कर ले बाड़ूगा? ना ना, ये चोरी के पैसा ना है, ये हमार पैसा है। वो दादी हमरे खातिर पैसा रख रही हाँ शादी करे खातिर, यही से सोच ली हम तोके दे दे, तू बाबूजी के दे दिया। ना राधा, ये तो गलत बा ना। हम कुछ नहीं खे जानत बाटी किशन, बस ये जानत बाटी कि तू शहर ना जाइबा। हमके समझ नहीं आवत बा कि हम ये रुपया कैसे रखनी राधा। अरे हम भैया से का कहब, ये रुपया कहाँ से आई? तोके हमार क्रिया किशन, तोके रखे पड़ी ये पैसा। हे राधा, ये क्रिया देखे हमके बड़ा धर्म संकट में डाल देलू। हमके समझ नहीं आवत कि हम का करी। हम जाता नहीं, न तो गाँव के केहू देख ली तो बहुत हल्ला हो जाए। ठीक बा किशन, हम जात बानी। जा राधा, बड़ा धर्म संकट में डाल देलू। का भैल जी, काहे चाय न पियत बानी? का चाय पी, सेठ की बात सीने में चुभ गई बा। पैसे की व्यवस्था करे पड़े कहीं से। अगर पैसे की व्यवस्था न भइल तो मकान जमीन सब चल जाए। ई रहल 17.5 लाख रुपया धरा। अरे कहां से ले ले तू? चोरी हुई तो ना गेले कहीं से तू? अरे नाना भैया, चोरी ना कहले बानी, ये तो पवन भैया भेजले हैं। तो पवन खुद ना आ सकेले? वो का है ना भैया, वो बाड़े खुददार और हमें तोहार भाई ना। वो कहले हैं कि जब तक एसटीएम ना बन रही है तब तक घरे ना आई है। अब एक काम करा भैया, एका ले जाके सीधे सेठ के मुंह पे मार दा, जा। हमार दोनों देवर शेर बाने शेर, जाना तानी ले जा करके सेठ के मुंह पे मार दे। हमार घर हड़पी है, उनकरा में इतना पावर बा, जा लेके जा। कहो रामनाथ, कहाँ के तैयारी है? का मतलब बतौरा के? अरे मतलब तो के दरोगा जी समझिए। आओ तोहार किसनवा कहाँ है चोरवा? जवान संभाल के बात करा ना, जवान खींच लेता। अच्छा जवान संभाली? कम बोला, बड़ा इज्जतदार बनत रहला ना। तोहरी इज्जत के हम तार तार ना कर देनी ना, तो हमार नाम चंदर ना है। चंदर बचाओ हो दरोगा जी। अरे आई देखो, देखी दरोगा जी, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। एफआईआर लिखाओ ले बड़ा ना तोर से। जी जी जी, होकर आगे पुलिस के काम बा। चल पीछे हटा। शिवशंकर बैग उठावा, बैग दे के मार के कचूमन निकाल ले, चोरी के पैसा रख ले बाड़ा। चोरी के माल कहां से पहले हो? चोरी कहे के चोरी? सेठ हीरा लाल के घर 17.5 लाख के चोरी भइल बा। किशन कहां बा? किशन घरे बा, चल के देख ली। ए चल। आज रपट जाई तो ना पताई हा, आज रपट जाई तो। उठा, देखा दरोगा साहब के कुछ गलत फहमी हो गई बा। कहत है पैसा चोरी के बा, बतावा इनका के कि पैसा पवन दे ले बा। चोरी का हो किशन? ये केकर पैसा है हो? ए किशन बताओ इनका के पैसा कहाँ से ले ले? बताओ किशन, बता दे इनका के कि पैसा पवन दे ले बा। बताओ किशन। ओ हो, पवन दे ले रहा। ओ देखा था, लगावा फोन पवन के, लगा ना, देखी था किसका पैसा है। ए अरे कुछ तो बोल, कुछ तो बता का भाई। अरे दरोगा जी,
ई हमारी सेठ जी के बैग है, उनकरी अलमारी से निकलल बैग है। का रे का बोलत है ये, चोरी कर ले का? अरे चोर है, चोर। तू चोरी कर ले है? ना भैया। नाम मिटा दे ले हमार। हम चोर ना है। अरे तू चोरी कर ले है? मुंह का देखा तड़े। अरे का कर ले रे किसनवा? हम चोर ना बानी भैया, हम चोर ना बानी। सच 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 बता ना, तो मार मार के तोर खाल निकाल दे। पता ई हमार संस्कार रहल भैया ना। ई का करत बानी? हमार किसन चोर ना हो सकेला। अरे तहार लाडला चोर बा, चोरी करके लाइल पैसा। ना भैया, हम चोर ना है भैया। तोर ड्रामा, हम चोर ना बानी भैया। हम चोर ना बानी भैया, हम चोर ना है। हम चोर ना बानी। ले जाएगा ओकरा के, मरते दम तक ओकरा चेहरा ना देखा। सौतेला बा दिखा देले सौतेला का होला, मरते दम तक ओकरा चेहरा ना देखा। निकल गेल ना। ए जी, किशन के छुड़ा लाई ना। अभी भी तू ना समझ लो, रुपया बैग सब तो बराबर हो गई। किशन चोर ना हा, बुझला। किशन के जमानत ले ली ना। वो चोर बा, न जाने कौन कुल खानदान के बा। सौतेला बा ना, तो नाम रोशन करबे करी। आज के बाद ओकरा नाम घर में कोई न लिया। मर गई बा हम सब के लिए, समझ गए ना। कैसे नाम ना ली, पाल पोस के इतना बड़ा कह ली। हा सुनी, अरे राधा का भाई का बात बा? बिंदिया किशन के पुलिस थाने ले गई बा। आखिर काहे के? किशन त चोरी नहीं के कैले बाड़, चोरी तो हम कैले बानी। तो के कहलिस कि किशन चोरी कैलिस? बाबूजी। बाबूजी कहला? हाँ। अच्छा तू परेशान ना हुआ, धीरज धरा, सब ठीक हो जाई, टेंशन ना ला। अच्छा हम जात बानी थाने, दरोगा जी से बतावे कि किशन चोरी ना कैला। सारा पैसा तो राधा निकल ली है, किशन बेगुनाह बा। ठीक बा ना। रोवा जी, हम अब ही जात बाड़ी। कहाँ चला दबाड़ू? हमरा के दरोगा जी से मिले के बा। आवेदा आवेदा, बैठो। का बात बा? हमार नाम विद्या बा, हम सेठ हीरालाल के बेटी राधा के फ्रेंड हैं। आपसे एक बात बतावत रहा। बोला का बात बा? बात ई रहल कि किशन निर्दोष बाड़े। का? हाँ, और राधा हमरा के भेजले बाड़ी सच्चाई बतावे के खातिर। किशन चोर नहीं खे बा, वो तो राधा से प्यार करेला। ई का कहत बाड़ू? हाँ, वो पैसा राधा देले वाली किशन के। ई सच है? हाँ, यह बात सच बा। ई बात राधा हमके खुद बतावे। राधा कहे नहीं आउलस? राधा कैसे आई घर में, ओकरा के सब बंद कई के रखले बाड़े। देखा बिंदिया, ई केस में चंदर आई विटनेस बा, सेठ के केस बहुत मजबूत बा। रुपया बरामद भइल बा, रंगे हाथ पकड़ाइल बा किशन, एमे कुछ हो ना सकेला। हम बहुत मजबूर बानी। प्लीज दरोगा जी, ओकरा के बचा ली। बहुत नाम सुनले बाड़ी आपके, लेकिन सेठ हीरालाल बहुत पहुँच वाला बाड़ा, ओकरा आगे कोई के चलेला नहीं, बस आपके सहारा बा, प्लीज बचा ली। देखा बिंदिया, अगर राधा किशन एक दूसरे से प्रेम करत हवे तो और पुलिस वालन के बारे में तो हम नहीं जानी ले। बाकी रहल बात केस के इन्वेस्टिगेशन अब मन्यु माथुर करत बा, तू निश्चिंत होके जा, बाकी सब हम देख ले जो। बहुत बहुत धन्यवाद दरोगा जी। राजकुमार। सेठ जी, थाना से सिपाही आए बा, राधा बिटिया को बुलवले है। चला कह दिया, आवतानी। राधा बिटिया तैयार हो जा, थाना चले के बा, और थाना में जाके बिल्कुल ही ना कहे बा किशन निर्दोष बा।
बाबूजी हम नहीं खे झूठ बोलत बाटी, किशन निर्दोष बाटे, वो कुछ ना कहले हाँ। देखा राधा, ये हमारी इज्जत का सवाल बा, वहाँ जाके बिल्कुल ना कहे बा कि किशन निर्दोष बा। जो जाके तैयार हो, ना तो तुहक मार देव किशन के भी मार देव। जो जाके तैयार हो जल्दी। ठीक है, ज्यादा इज्जत देख जरूरत नहीं है, बैठो अपन काम करा। दरोगा हमार बिटिया राधा के काहे ला बुलैला है? हमरे घर के बहु बेटी केहू गैर आदमी से बात ना करेली, जौन पूछे के बा हमरा से पूछा। तू खाना खाइबा तो का राधा का पेट में जाई? जब स्टेटमेंट राधा का देखबा तो तू कौन होवे रे? बैठा राधा, बैठा बैठा। राधा देखा तू का डरे जरूरत नहीं है, सच सच बतावा किशन चोरी कर लेबा कि ना? देखा राधा हमरा पे विश्वास करा, कछु ना होए, ना किशन को होए कछु, ना तोहरा के, हमका सच सच बतावा राधा। का ऊ चोरबा? चोरबा ऊ? सच सच बताओ राधा, सच सच बताओ हमके, का किशन चोरबा? ना किशन चोर नहीं खे ओके, पैसा हम चोरे ले रहल किशन ना। तोहरा मुँह से बस इतने सुने के रहल, बयान दर्ज करे के रहल तोहरा, बाकी तो ये बात हमका पहले से मालूम रहा। का रे लड़की का आग दिखावे ले? हमनी के दिखा, दिखा हमनी के। तोर मर्द होए ना भरम दूर हो जाए, किशन राधा के कछु होके के ना चाहे। वो का कहा थे ना, अब मन्यू के बोली और अगर बंदूक से निकलल गोली कब खाली ना जाला। जो चल निकल, जो राधा तुम चिंता मत करो, जाओ आराम करो, मैं हूं यहां। राजकुमार जरा ये नंबर मिलाओ तो, रामनाथ का है, मिलाओ। लीजिए सर। कौन? अरे हम इंस्पेक्टर अभिमन्यु माथुर बोल रहे हैं। का बात बा? तोरा के थाने आवे पड़ी, रजिस्टर पे दस्तखत करे बा। का बात बा? कोई दिक्कत हो गई बा का? अरे घबराए जरूरत नहीं है भाई। अरे वो बेगुनाह बा, हमका सब सच पता चल गई बा। आके अपने भाई का ले जा, हम तोहर इंतजार करत बानी, जल्दी से आ जा। ठीक बा। दरोगा जी नमस्कार, बताई का बात बा? रामनाथ जी आओ बेटा, बेटा आपके बहुत मेहरबानी। अरे शिवशंकर जरा रजिस्टर देना तो। यहाँ रामनाथ के दस्तखत ले ले तो। किशन के छोड़ दा। बहुत बहुत मेहरबानी दरोगा जी आपके। चला बबुआ अब अपने घर चलल जाए। ना भैया,
हम तो सौतेला हैं, गंदी नाली कीड़ा हैं ना हम। ए बबुआ चला घर चला। घर कैसन घर? अरे हम तो गंदी नाली कीड़ा हैं, सौतेला ना हैं। ना बबुआ माफ कर दो हमका बबुआ, ऐसा ना बोला। अनाथ राली काहे के मंदे से उठा के हमका अपने घरे लैला, काहे के परिवार देला। ए अभिमन्यु भैया इनका से कह दा यहाँ जाए। अरे ना अब हम वो घर माना जाब। अरे ऐसा ना बोले जला पगले, ना घर जा बाबू। ना 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 तू इनके जिगर के टुकड़ा हो बाबू। ना हम इनके कोनो जिगर टुकड़ा ना ही, अनाथ हैं हम। हम तो माफ कर दो वार है ना, बड़ा दुख दे रही ना तोहरा के। लो मार ला हमरा के, मार ला, मार ला हमरा के, मार ला। ना भैया ना, ना ना भैया। काश मेरा भी एक ऐसा परिवार होता। अरे अरे राजकुमार। जी सर। ये किशन के ताबीज छूट गए रे, पहुंचा देगा। ठीक है सर। जा पहुंचा दे। सुनो प्रिया, जानती हो प्रिया आज पवन ने क्या किया है? आज पवन ने हमारे पीए से पैसे मांगे हैं और उसने सारे स्टाफ ऑफिस के सामने जाके बोल दिया। बड़ी बेइज्जती हुई मेरी, लो स्टैंडर्ड वालों से हमने रिश्ता जोड़ा है, झेलना ही पड़ेगा। तुमने डैड के पीए से पैसे मांगे? हाँ मांगे थे। तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांगते ना, पीए से मांगने की क्या जरूरत थी? मैंने डैड से मांगे थे पर उन्होंने मना कर दिया। तो क्या? तो पीए से पैसे मांगोगे? प्रिया जब घर के इज्जत की बात आती है ना तो क्या पिए और क्या भिखारी। वाह तुम्हारी इज्जत इज्जत है और मेरे डैडी की इज्जत कुछ भी नहीं। उन्होंने मेरे कहने पे तुम जैसे गंवार से शादी कर दी है। अच्छे घर में रहते हो, कारें हैं तुम्हारे पास, अच्छी कोचिंग में पढ़ते हो, जो चाहिए वो खा रहे हो। आखिर अब और क्या चाहिए तुम्हें? तुम जैसे गंवार से शादी करके बर्बाद हो गई है मेरी लाइफ। तुम्हें तो बिल्कुल अकल नहीं है, नॉनसेंस। प्रिया तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ सेठ बोला। तोहरा से एक जरूरी बात करे के रहल, रामताल के पास आ जाइया। और सुना तोहरा के हमरा से डरे की जरूरत नहीं छे। डरीला तो हम सिर्फ भगवान से और अपने भैया से, समझला? आवत हई। आवा किशन आवा। बतावा काहे के बुलोले बाड़ा? हाँ एक बात बतावे के रहे किशन, हमरे राधा बिटिया के शादी तय हो गई बा बहुत बड़े घर में। राधा मान गई? हाँ वो मान गई, तुहार औकात ना रहे ओकर खर्च उठा पैता। और हम तुहार औकात अच्छे से जानीला और यह जानीला कि तू दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करे। राधा एक शर्त रख लेगा कि तुम्हार जमीन के कागज लौटा दी और कर्ज के सारा पैसा माफ। लेकिन हम एक बार राधा से मिले चाहिला। ना तोहरा के मिले की जरूरत नहीं छे। तू का चाहत बाड़ा कि राधा बिटिया भीख मांगे या घर में महल में वो राज करे? तू जाने ला कि समाज में कितनी बेइज्जती हुई, कभो सोचला? दे दहो इनकर कागज ला, अपने घर के कागज रखा और तुम्हार सारा कर्जा माफ कर देगा। जा अब अच्छे से कहूँ काम धाम करा। ये कागज रखा सेठ, अगर कुछ देही के बा तो हमरा के 3 साल के मोहलत दे दा, हम तोहार पाई पाई चुका दे। ठीक बा तू शहर चल जा, हम कुछ पैसा तोहरा के देता नहीं, वहाँ जाके अपना कुछ धंधा पानी कर ला अपना हिसाब से। सेठ अपन रुपया अपने पास रखा और रही बात राधा से दूर जाए के तो आज ही हम राधा से दूर चल जाओ, दूर बहुत दूर, कबो लौट के वापस ना आई। चला था नहीं क्या रामू? सिर्फ एक थाली?
प्रिय मैम साहब ने ताना मारा और पवन भैया घर छोड़ के चले गए। छोड़ जान दो, बाकी खाना खिलाओ, निकालो। हेलो माय फ्रेंड। और चौपत कैसा है, सब ठीक है? मस्त हूँ यार। अच्छा बैठो। हुलिया देख के नहीं लग रहा है? अरे लंदन में अपना व्यवसाय फिट कर दिया है। अरे क्या हुआ ना कि अपने धरती की खुशबू यहाँ खींच लाई और यहाँ आया तो तुमसे मिलने का मन किया तो चला आया। अच्छा और ये कौन है? नमस्ते अंकल। अरे ये मेरा भगना राहुल, लंदन से MBA किया है और इस देश का हाथ बटाएगा। अच्छा यार प्रिया के बारे में सुना, बड़ा अफसोस हुआ। हाँ यार, लो स्टैंडर्ड वाले से शादी करके ये सब तो हो रहा ही था। अरे प्रिया सुनो। जी डैड। ये मेरे बचपन का दोस्त चंपत है। नमस्ते अंकल। नमस्ते। और ये उनका भगिना राहुल। हेलो। हाय प्रिया, आई एम राहुल। मेरी एक सलाह है, इसकी दूसरी शादी कर दे। हाँ यार वो तो है ही, लेकिन ऐसे कैसे चले जाओगे? पहली बार आए हो। अरे नाश्ता वास्ता छोड़ो यार, फिर कभी छोड़ो यार। अरे अब तो ये अपना घर हुआ, आते जाते रहेंगे, क्यों भांजे? चलो करके जाओ भाई। ओके भांजे, बस तुम्हारा टारगेट एकदम सीधा होना चाहिए। बहुत गजब की पीस है मामा, इसको अपने बिस्तर पे पटकने का बहुत मन हो रहा है। बिस्तर पे पटकना या चाहिए, बस टारगेट होना चाहिए इसकी प्रॉपर्टी। जिस दिन इसकी प्रॉपर्टी हाथ लग गई ना, सारे कर्जे माफ और मामा भांजे करेंगे अय्यासी। तुम्हारा कमीना पर नहीं जाएगा मामा। अरे भांजी नाम क्या है? चंपतलाल। चंपतलाल जो पहुंच जाता है सारी प्रॉपर्टी को चंपत करके अपनी तिजोरी में डाल देता है। भैया हमरा के किशन के पास जाए के बा। भैया ना लगत बा उनकर फोन, हम कितना ट्राई कर ली बट ना लगत बा उनकर फोन। तू ठीक ही कहा तरुण, काहे से कि हम बहुत बार कोशिश कैले बानी फोन करे के, लेकिन जो उनका नंबर बतौन बंदे बताओता। हाँ घर पर भी जौन बातों के कितना दिन से फोन नहीं करती। अगर हम किशन के पास ना गए हम अपन जान दे दे भैया। हम कुछ कर बनी, हम तोहरा के शहर जरूर लेके चलब। ठीक बा भैया। हम अहू चलब भैया। का तू चल बा? हाँ ठीक बा, चल सब सब क्यों चली। अरे सेठ जी रहूँगा, राधा बिटिया के शादी एगो बूढ़ आदमी से काहे तय कर देनी है? अरे चंदर उ बहुत अमीर आदमी बा और घर के अकेला भी तो बा ऊ, और तो और कुछ दिन बाद मर मुर जाई, सारा जायदाद हमार हो जाई, और तो और दहेजो ना देवे के पड़ी हमनी के। समझला चंदर? ई बात बा, ई तो बढ़िया सोचले बानी रहुआ, इतना कमी ना बा। राधा ई का तू करे जा तड़ू? छोड़ दे गोपे भैया, हमरा के मर जाएगा, हम किशन के बिना ना रह सकेला। ना राधा ना, ई का तू पागलपन कर तड़ू। अरे किशन के का होई? हमार बाऊजी एक बुड्ढा आदमी से ब्याह करत बाटे, हमें आजा लेके चला किशन के पास, ना तो हम अपन जान दे दे। किशन के पास हम तोहरा के लेके चलब, दुनिया के कौनो ताकत आके रोक ना सकेला। किशन से हम मिलाई तोहके, अब ही लेके चलब तोहके हम, चल आवा। हेलो, अरे गोपी बड़ा ढेर दिन बाद याद कर ले यार, का शहर में आयल बाड़े? अच्छा ठीक है तू आ जाओ, हम राधा कृष्ण के मंदिर में बैठल बानी। ठीक बा आवा, हम एजा तुहार इंतजार करते बानी।
जल्दी आओ। अरे गोपी, अचानक सहराव के का मतलब है? हाथ में ही बैग वैग लेके का मतलब है बे? और ये राधा के लेके कहाँ घूमत आड़े रे? बताओ तनी, पहले ई बताओ किशन कहाँ बाड़े? किशन? और ये शहर में बा हमसे मिले ना आइल? किशन शहर आके भी तोरा से ना मिलने? किशन यही शहर में बा, हमरा के पता ना बा। उ तो घर जमीन बचावे खाती शहर आइले कमाए, कई महीना हो गए उनका कोनो खोज खबर नहीं खे। कोनो बात ना है, अगर शहर में बा तो ओकरा के हमनी के ढूंढी लियल जाइल। पर ई राधा के लेके तू कहाँ घूमत आड़ी? जहाँ हमार पति रही हम वही रात, न तो हम अपन जान दे दे। राधा चला, पहले घर चला, फिर घर चलकर बात करल जाइए। आवा चला। ठीक बा चला। क्या बात है डैड, आज आप मंदिर से बहुत जल्दी घर आ गए। हाँ बेटी, काश कि आज मैं मंदिर ना ही गया होता। क्या हुआ डैड, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। पवन धोखेबाज है, वो पहले से शादीशुदा है। क्या बोल रहे हैं डैड आप? मैंने देखा उसे मंदिर में, वो अपनी बीबी के साथ आया था, मैंने अपनी आंखों से देखा। आप झूठ बोल रहे हैं डैड। मैं तुम्हारा बाप हूँ, दुश्मन नहीं। तुम्हारे खातिर मैंने उसको अपना दामाद बनाया, एक लो स्टैंडर्ड आदमी को सर पे चढ़ाया। लेकिन आज उसे मंदिर में देखने के बाद उसे भूल जाओ, उसी में तुम्हारी भलाई है। गोपी भैया। हाँ रोलू, हमनी के छोड़ के चल गई ला? का बताई हो, बहुत जोन बात उनकी राधा परेशान कर दिली बुझला, और हमके मौका ना मिलल की तो उसे भेंट करके हम तो के ले आई। कोनो बात नहीं के हम हूँ आई, पता बतावा। सिंह ऋषि मंदिर पावा, ठीक ना? हम तोहरा से वही जा मिलब। ठीक बा, हम आवा तानी, अब शाम के निकला तानी, बुड़बक बना के चला गई। प्रिया बेटा, मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती, राहुल आया है उसके साथ बातें करो। लेकिन डैड, वो एक खानदानी लड़का है, उसके साथ घूमोगी मिलोगी तो तुम्हारा मन बहल जाएगा, ठीक बेटा? अरे यार छोड़ो यार। हेलो अंकल। अरे मेरा सोना बेटा, अरे इधर इधर, तू कितनी दुबली हो गई है। मेरा सोना बाबू, मेरा पुच्छू है, डिप्रेशन में चली जाएगी, भांजे भांजे भगनी को लेके जा घुमा। और जो बोला हूँ याद है ना? जी मैम। किसी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ चले मैडम, जनता हाजिर है, इंजॉय करो एंजॉय करो। कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है, और तू कंजूसी कम कर, ठीक है ना? अरे यार मैं कुछ करता। वैसे प्रिया आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। वेलकम। ओह माय गॉड, घूमने के चक्कर में बिजनेस मीटिंग में तो जाना भूल ही गया। तो अब क्या टाइम है? बगल के होटल में मीटिंग चल रही है, अगर तुम बुरा ना मानो तो। ओके चलते हैं। की प्लीज। We'll be right back.
राहुल, राहुल छोड़ो मुझे। राहुल प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। राहुल प्लीज छोड़ो मुझे। राहुल, राहुल प्लीज छोड़ दो, बचाओ, छोड़ो मुझे। राहुल प्लीज छोड़ दो, लीव मी राहुल, प्लीज लीव मी, छोड़ दो मुझे। रूम सर्विस। कौन है बे? रूम सर्विस। यस। तो का देखते जान गए रहली के ते का करे वाला बाड़े। छोड़ पागल कहीं का। देख लूंगा तुझे। अरे रुक, अब ये देख ले। अरे अगली बार हमरे भौजी के आसपास दिख ले ना तो रख के काट के फेंक दे। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे रुक पागल। प्लीज मुझे माफ कर दो किशन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ना भौजी, माफी ना मांगा तोरा के अपने गलती का एहसास हो गई, यही बहुत बड़ी बात बा। पवन भैया कहाँ बाड़े और ये तो चिरकुट साथ यहाँ कहे रहलू? तुम्हार जाए के बाद पवन और हमार झगड़ा हो गई और वो घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गई ले। भोजपुरी बोले लगलू भौजी। तू ही कहत रहला ना भोजपुरी प्यार के भाषा हुए और अपनन से तो भोजपुरी ही बोलल जाला ना, है कि ना? चला तोहरा के पवन भैया से मिलवा दी, चला। अरे प्रिया, आने में बहुत देर कर दी। हाँ डैड, वाकई में आने में बहुत देर हो गई। अरे प्रिया, ये बैग लेके कहाँ जा रही हो तुम? डैड, अपने पति के पास। क्या फिर जा रही हो तुम उस आदमी के पास? दिमाग सही तो है तुम्हारा? एक पत्नी की जगह उसके पति के चरणों में होती है। उसके साथ तुम्हारा गुजारा नहीं हो पाएगा प्रिया। कहाँ तुम हाई स्टैंडर्ड की पली बढ़ी पढ़ी लिखी लड़की हो और कहाँ वो गवार, इतने लो स्टैंडर्ड का उसके साथ मैनेज नहीं कर पाओगी प्रिया। आशीर्वाद दीजिए डैड। पर जाते जाते आपको एक बात बता दूं डैड, राहुल वो हाई स्टैंडर्ड वाला, उसने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की है। क्या? मुबारक हो आपको आपका हाई स्टैंडर्ड डैड। मैं नहीं रहना चाहती आपके हाई स्टैंडर्ड में। मैं जा रही हूँ डैड, रहिए आप अपने हाई स्टैंडर्ड में। अरे किशन, अरे हमार भाई, तू यही शहर में रहला है और अपने भाई की याद ना आईला? हमका माफ कर दे। अरे यार, सारा बोझ तू अपने सर पे काहे ले लेला? जब हमनी के सुख में साथ रहने जा तो दुखों में भी हमनी के साथ रहल जा। यार हम तो का बहुत गलत समझनी, हमके माफ कर दा भाई। ना किशन, ये सब समय के खेला है। अच्छा यार चल बैठ, एक सरप्राइज बा तोरे लिए। अरे अब का सरप्राइज बा? तू बैठा तो। अच्छा ठीक बा, पहले आंख बंद करा। आंख बंद करी? हाँ चल ठीक बा, खोलिया ना, हम आवत हैं। अब खोला आंख। प्रिया, तू एकरा के यहाँ काहे लेके आईला है? पवन हमरा के माफ कर दा। भाई भौजी के माफ कर दा। माफ कर दी? अरे यार ये हाई स्टैंडर्ड वाली है यार, और कहाँ हम लो स्टैंडर्ड वाले। एकरा के ना ले जो, एकरी हाई स्टैंडर्ड में ले जाके छोड़ दे। काहे के ना एकरा के स्टैंडर्ड की नसाबा, ले जाओ यार। पवन हमरा के माफ कर दे। अभी भोजपुरियो बोल लागल रे। हाँ भाई भौजी बदल गई बाड़ी। पवन चला माफ करा भौजी के। अब पवन, पवन हमरा के माफ कर दे।
तोहार जगह हमारी पैरों में ना बल्कि हमारे दिल में बा। तू एगो सरप्राइज हमरा के दे ले, अब एक सरप्राइज हम तोहरा के देवा जादा नहीं। हमरा के सरप्राइज? अच्छा, तो सरप्राइज पावे खातिर आंख तो बंद करे पड़ी ना, तो बंद करा। ला बंद कर लेनी। अब खोला आंख अपन। राधा, तू यहाँ कैसे? यहाँ कैसे आयल बा? अरे यार, ये अपन जान देवत रहली। ये तो शुक्र मनाओ मटुआ के कि एके बचा के हमरे लगे लेकर आयल। राधा, तू जान कहे देते रहलू? पगला गेल बाड़ू का? हाँ किशन भैया, ये अपन जान देवे जात रहली, भला हुई गोपी के जो एकरा के बचा के ले आइलस। हे गोपी, हमरा पे बड़ा एहसान कैला हो राधा के जान बचा के। अरे चला चला, ज्यादा मस्का मत मारा, चला। वैसे भी तहन लो बैठा लो, हमनी के एगो अच्छा सा मलाई मार के फटाफट चाय ले आओ तंजा। ई का हो राधा, थोड़े बिना किशन तो मर जाती ना। ना किशन, ऐसा मत बोला, हमरा के छोड़ के गईला ना तो हम अपन जान दे दी। राधा, किशन के प्राण तो राधा में ही बसेला ना, तोरे बिना किशन के कौन अस्तित्व राधा? किशन, राधा, ई देखा, ई लो अपने में रासलीला कैला में मस्त बनल, ई लो के चाय के जरूरत नहीं खे। चला हम ही पी लेता नहीं। चला गहरी हमके नींद कैसे आई, नहीं पूछे ना रात सच बड़ा तो कसाई, जब ले सटा बुना गहरी हमके नींद कैसे आई, दूर कर हमरा परेशानी के, दूर कर हमरा परेशानी।
बानी हो रायावा कोरावा हमें जान हो हमरा पास में न बाटे ईमान हो बानी हो रायावा कोरावा हमें जान हो हमरा पास में न बाटे चंपत मेरे दोस्त। अरे तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत कि तुम मेरे घर में आ गए। अरे मेरे दोस्त। क्या मेरे दोस्त कि तुमने मेरे बेटी के साथ गलत किया? नीच कहीं। अरे मेरे भाई मेरी। चल निकल यहाँ से। तेरा भाई मर गया। अरे मेरी बात तो सुन, राहुल नादान है। कोई नादान नहीं है। बेचारा देखो कब से खड़ा राहुल, इधर आओ। देखो बेचारे के चेहरे पे। अरे मेरे सामने मत ले आला, मैं इसको काट दूंगा। सॉरी अंकल। अरे सॉरी। अरे सॉरी मत बोल। अरे हाइपर इतना मत हो। इसको अभी ये कुंवारा है। कुंवारा उसके बाद किसी के साथ करता फिरेगा? अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, अपनी बेटी से इसकी शादी करवा देना यार। अच्छा अभी शादी के सोच रहे हो तुम लोग? आए शादी का सुर चढ़ा है? अरे तुमको लात मार के भगा नहीं रहे हैं, यही क्या कम है? ओह जाने तो हो गई, आवेश में था। अरे कुछ नहीं आवेश होता है। मैं बोल और निकल यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाता हूँ। क्या पुलिस को बुलाएगा है? दोस्ती इतनी पुरानी हो कुछ भी बोलेगा? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, एक मिनट भी यहाँ खड़ा रहा तो बता रहा हूँ। फिर मेरा नाम धनराज है। मेरा नाम भी चंपत है, बहुत महंगा पड़ेगा। अरे चुप, बहुत चंपत देखे अब बहुत महंगाई देखी। चलता हूँ फिर, भूलूंगा नहीं, याद रखना। अरे मैं भी नहीं भूलूंगा, निकल यहाँ से। चल चल भांजी। बात करता है। अब क्या हुई मामा? अगर रुपया ना मिला तो अपन इज्जत नीलाम हो जाएगी। वैसे भी तू सगरों रुपए अपने यासी में उड़ा देले बड़े मामा। चुप कर। एक लड़की को कब्जे में नहीं कर पाए तुम। अब जो करूंगा मैं करूंगा। तू क्या कर लेबा मामा? किडनैप। क्या? हाँ उस लड़की का किडनैप करेंगे। माल भी आई और माल भी आई। पहुंचे। अच्छे से इंटरव्यू देना, ओके? हाँ ठीक है, पर भैया को लाने के लिए किशन गया कि नहीं? किशन, रोलू, गोपी तीनों गए हैं। गुड, चलो अच्छा। मैं चलता हूँ। ओके बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छे से देना। पहचाना नहीं मेरी जान? राहुल तुम? निकलो यहां से। क्या लिख रहा के पिजरा में? अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ दो मुझे, जाने दो, छोड़ दो, बचाओ, छोड़, छोड़, कोई बचाओ मुझे, बचाओ। और महीना इसके बाप को फोन लगा, बेटी की इज्जत आज लूट रही है, हम छोड़ देंगे। हाँ छोड़ देंगे। छोड़ो तुम लोग मुझे, छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो। Ha 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 ha
तुम्हारा दोस्त बोल रहा हूँ चंपत। भूल गया? अरे हमको कैसे भूल सकता है, कुछ चीखे सुनाई दे रही हैं। सुन, तेरी बेटी की चीखे हैं। पापा, पापा प्लीज मुझे बचा लो। प्लीज। चंपत, 50 लाख लेके एड्रेस मेरा बेटा राहुल बताएगा, पता बेटा। हेलो बुढ़ऊ, 50 लाख लेके छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। पहले थोड़ा सा मजा तो ले दे दो। बहुत बोले लीजिए। लाश लेके जाबा। ओह मोर चम चल लो। ठीक 10 बजे। ये सब कहाँ? ये कहाँ? ये सामान कैसे फैलल बा? कहाँ गए सब? राधा, भाऊजी, ये का भाई किशन? हेलो, तोहरा दरबार में आइब, दुश्मन के बलि चढ़ाइब, दुश्मन के बलि चढ़ाइब। ओ तोहरा दरबार में आइब, दुश्मन के बलि चढ़ाइब, दुश्मन के बलि चढ़ाइब। बस इतने तुझी हंस कतिया, बस इतने तुझी हंस कतिया, माई वार न जाए खाली खाली खाली। जयकाली माँ जयकाली, जयकाली कलकत्ते वाली, जयकाली माँ जयकाली, जयकाली कलकत्ते वाली। रक्षक बाड़ू सबके लाज बचावेलू, सबके लाज बचावेलू, सबके लाज बचावेलू। आज पड़ल संकट में बानी, जान तू ही बचावेलू, जान तू ही बचावेलू, जान तू ही बचावेलू। शेरा वाली तू हो मैया, शेरा वाली तू ही मैया, तू ही मेरा वाली वाली वाली। जयकाली माँ जयकाली, जयकाली कलकत्ते वाली, जयकाली माँ जयकाली, जयकाली कलकत्ते वाली। खुश हो जालू जे तू माई, रंक राजा बनावेलू, रंक राजा बनावेलू, रंक राजा बनावेलू। हुख बुझे नाराज तुम्हारी, सारा पाप मिटावेलू, सारा पाप मिटावेलू,
सारा पाप मिटावे लू तोहरा दर पे शीश झुकावे तोहरा दर पे शीश झुकावे आवे जे भी सवाली 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 जय काली मा जय काली कल करते वाली जय काली माँ जय काली कल करते वाली आओ धनपत आओ ये लो चंपत ये 50 लाख रुपए भांजे चेक करो ओए चेक कर पैसा मिल गया अब लड़की को छोड़ दो इतनी भी जल्दी क्या चंपत एक कहावत तुम कहा करते थे क्या बोलते थे मैं बड़ा कमीना हूं ना इन फूल सुकलियों कुचरा चूस ले तो दो छोड़ दे अरे छोड़ दूंगा ना रे पहले निजान तो करने दे चंपत छोड़ दे छोड़ दूंगा पगली छोड़ दूंगा पापा, मजा तो लूटने के जान से मार दूंगा ए सुन ले जा इसको और सुन अच्छे से खातिरदारी करना क्या ना हमारा बहुत पुराना दोस्त तेरा तो हम ढिंचका करेंगे ढिंचका ढिंचा मामा का भेल एका छोड़ दे मामा हम तोरा पांव पड़त हई मामा छोट के बा हम है ना तो पहले भोग हमके लगाओ इधर अरे मामा भगना बड़ा कमीना निकले रे तू आ हमके भोग लगाओ दा फिर पूरा लड्डू तू खैया तू तो मामा सकनी मामा के भी फेल के देला जय हमार भगना जय आज कली के न फूल बना दे आज फूल बना दे जा चला हम और करें ढिंचिका 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 रे ढिंचिका हनुमान के होत हुए क्यों सीता मैया के हाथ न लगा सकेला तोर हिम्मत कैसे भइल रे कुत्ता हमरे भौजी के हाथ लगावे के जाओ बबुआ घर के इज्जत के सवाल बा दिखा दो इन लोगों के उनकी औकात जा अरे अरे तेरी माँ का अब खेला खत्म करा ना तो चचा के ना हम खोपड़िया उड़ा दे चचा खोपड़िया तो हाँ खोल दे ए बबुआ आ ए! रामनाथ भैया के छोड़ दे तुम्हारी के बाद हम रा के मार ले अच्छा तू दोनों भाई भाई हवा
गजब के प्यार छलकत बा, छलकत हमारी जवानी आये राजा। बोल मार्दिका, मार्दिका। तू हमार चिंता मत कर, मार उकड़ा के किसान, उकड़ा के छोड़िया मत। जियो मामा। उमारी की हम मारा। ये चचा। कादे कता रे? इतना बोली बोरम ना? छठी के दूध याद आ जाए। मार, मार उकड़ा के। नहीं तो एकरा भेजा उड़ाओ में उतने सेकंड लगे जितने टिकट दो। तू कौन है रे? अरे बाप से होकर नाम लेके पूछा जाए तो होने के पैदाइश पे तू है के? अरे ये कहां से पैदा हो गई रे? और रही बात हम कहां से पैदा भईनी, कहां से आई नी, तो सुन, भोजपुरिया माटी में पले बड़े, अयोध्या की पैदाइश कहा ले, तो होने जैसे गुंडा लोग हैं, हमने से रोजे सौ सौ जूता खा ले। एक आंसू के साथ ले भी नोवल से तू रोवा मत, मत रो, रुका आ बताइए हम आज तोरा के हमरा हाथ से क्यों बचा सकेला, आज तो तोरा के हमरा छोड़ा आज तोरा ने पक्का बा अब गई था भैया अब तू हमरे भाभी पे बुरी नजर डल ले माफ ना कर तोरा के जान से मार दे रुका किसान अब गई था भैया जायदा छोड़ दो पापी के ये कानून के काम बा छोड़ा किसन ना भैया एकरा के हम ना छोड़ब किसन हमार गुनहगार बार एकरा के हम ना छोड़ब भैया कानून के काम बा एकर सजा कानून दे तू छोड़ा छोड़ा भाई अरे सकने मामा तू छिपा है कहाँ तुझे ढूंढता फिर रहा मैं यहाँ यहाँ छुपल बड़ा मामा चला तोनी के तनी हवा लात के सेट करा दे अरे मोरे भागना मर गई ले कारे आई हो मामा जिंदा बानी हो जिंदा बाड़े चल 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 तोनी के बहुत सही टाइम पहला भैया अच्छा खतरदारी करिया मामा के फोन कैले रहला था आई थी ना बाकी एकरा के चिंता ना करा ऐसन खातिरदारी करब मामा के याद रही ए ए साहब खाए पिए कुछ मन ना करो चला मामा चला हमरे रफा दफा कर ली ना चले मामा तनी अड्डे पे जम के सेवा करी